एक बार फिर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है, जहां मंडला के दीवारा गांव में भीषण जल संकट की खबर को चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अब पीएचई विभाग एक्शन में आया है और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को भीषण जल संकट से राहत पहुंचाने के लिए हैंडपंप दुरुस्त कर रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में लोग सुरपन नदी का गंदा पानी झिरिया खोद कर पी रहे थे। वहीं ये पानी जानवरों को और खेत में लगी सब्जियों की सिंचाई के लिए दिया जा रहा था। तो वहीं गांव में समस्या इसलिए थी क्योंकि नल जल योजना करीब 3 वर्षों से क्षेत्र में बंद पड़ी है। वहीं गांव में कुल 4 हैंडपंप थे, जिनमें से केवल एक ही हैंडपंप गाँव वासियों के लिए सेवा में है, जिसके बाद खबर पीएचई विभाग के दफ्तर में पहुंची और अब विभाग एक्शन में आ गया है और ग्रामीणों को भीषण जल संकट से राहत पहुँचाने के लिए हैंडपंप दुरुस्त कर रहा है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।